दोस्तों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुल्ली जंगल वाले रास्ते में किसी की आवाज़ सुनता है, जहां उसे रॉड दिखाई पड़ता है जो बच्चे को पकड़ रहा था। रॉड से गुल्ली डर जाता है और जंगल में छिप जाता है, लेकिन गुल्ली ज़्यादा देर तक रॉड से बच नहीं पाता है। उधर गुप्ता जी, बुल्ली और मिश्रा जी को पता चल गया था कि गुल्ली मुसीबत में है, इसलिए उसे बचाने के लिए सभी जंगल पहुँच जाते हैं, जहाँ उसे गुल्ली का स्कूटी दिखाई पड़ता है। और तभी सभी देखते हैं कि कोई आइसक्रीम वैन जंगल से बाहर जा रहा है। आइसक्रीम वैन को गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वह सभी वैन का पता लगाने के लिए शहर में पूछताछ करने लगते हैं, जहां उन्हें रॉड की फैक्ट्री का पता चलता है, जहां रॉड अपनी वैन से सभी को कुचलने की कोशिश करता है, पर सभी लोग बच जाते हैं। इसलिए रॉड बाहर आता है और मिश्रा जी को जमा देता है। रॉड अपने मशीन की मदद से मिश्रा जी और गुल्ली को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद गुप्ता जी बुल्ली को बचाने के चलते वहां फंस जाते हैं और बुल्ली वहां से भाग जाता है। और अब आगे की कहानी इस एपिसोड में देखते हैं। बुल्ली अपनी जान बचाने के लिए रॉड की फैक्ट्री से भागता है तो रॉड को बहुत गुस्सा आता है। बुल्ली, तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। रॉड बुल्ली को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि रॉड नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चले कि वह बच्चे को किडनैप करता है, नहीं तो उसका फैक्ट्री बंद हो सकता था। बुल्ली, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मुझे रॉड से बचकर बाबा के पास जाना होगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं, पर सबसे पहले मुझे रॉड से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। रॉड से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बुल्ली जंगल के अंदर घुस जाता है, ताकि वह कहीं छिप सके। बुल्ली के जंगल में घुसते ही रॉड भी जंगल के अंदर घुस जाता है, पर बुल्ली रॉड की नजर से ओझल हो जाता है, जिसके बाद रॉड गुस्सा से चिल्लाता है। बुल्ली, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छिपे हुए हो, पर मैं तुम्हें ढूंढ कर जरूर निकाल लूंगा। बुल्ली को खोजने के लिए रॉड जंगल में चारों तरफ घूमने लगता है। बाल बाल मैं बच गया, नहीं तो रॉड मुझे भी जमा देता। रॉड से बचने के लिए बुल्ली वहाँ कुछ देर के लिए छिपने का फैसला करता है, क्योंकि रॉड वहीं आसपास घूम रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद बुल्ली सोचता है कि शायद अब रॉड यहाँ से चला गया होगा, इसलिए वह छिपकर चारों तरफ देखता है तो उसे रॉड कहीं दिखाई नहीं देता है। लगता है रॉड यहाँ नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। रॉड को सामने ना देखकर बुल्ली वहाँ से निकलकर भागता है, पर रॉड अचानक सामने आ जाता है और बुल्ली को अपने नाइट्रोजन गैस से जमा देता है। बुल्ली को जमा कर रॉड बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसका राज किसी को पता नहीं चलने वाला था। बुल्ली, अब तुम भी मेरे गुलामी करोगे। रॉड बुल्ली को पकड़ के फैक्ट्री में ले आता है, पर वह वहाँ देखता है कि गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली वहाँ नहीं है। किसी को भी फैक्ट्री के बाहर ना देखकर रॉड गुस्सा से चिल्लाता है। रॉड गुस्से में बुल्ली के साथ सभी बच्चों को अंदर पिंजरे में कैद करके अपने सीसीटीवी में चेक करने के लिए चला जाता है। रॉड सीसीटीवी में देखता है कि जब रॉड बुल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा था, तभी कुछ समय बाद गुप्ता जी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। गुप्ता जी के वापस से नॉर्मल होते ही मिश्रा जी और गुल्ली उसे कहीं जाने नहीं दे रहे थे। मिश्रा जी और गुल्ली, होश में आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गुप्ता जी के कई बार बोलने पर भी मिश्रा जी और गुल्ली होश में नहीं आते हैं, और वह दोनों गुप्ता जी को मारने की कोशिश करते हैं, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। मिश्रा जी और गुल्ली, तुम दोनों मेरे साथ बाबा के पास चलो, वह अपनी शक्ति से तुम्हें ठीक कर देंगे। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी और गुल्ली पर कोई असर नहीं पड़ता है, वह दोनों बस गुप्ता जी को मार देना चाहते थे। मिश्रा जी और गुल्ली, ऐसे मेरी बात नहीं मानेगा, पर मुझे किसी तरह करके बाबा के पास इन दोनों को ले जाना चाहिए। गुप्ता जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बुल्ली, तुम आ गए। बुल्ली का नाम सुनकर मिश्रा जी और गुल्ली अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। गुल्ली और मिश्रा जी वापस से गुप्ता जी की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ गुप्ता जी दिखाई नहीं पड़ता है। मिश्रा जी और गुल्ली, मैं यहाँ हूँ, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। गुप्ता जी के उकसाने पर मिश्रा जी और गुल्ली उन्हें पकड़ने के लिए रॉड की फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। गुप्ता जी, तुम अपनी चालाकी से मिश्रा जी और गुल्ली को अपने साथ तो ले गए हो, पर तुम सब फिर यहाँ आओगे। इधर रॉड को पता था कि गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली वापस यहाँ जरूर आएगा, पर उधर गुप्ता जी का पीछा करते करते सभी लोग बाबा का आश्रम पहुँच जाते हैं।
बाबा हमारी रक्षा करे, पता नहीं रॉड ने मिश्रा जी और गुल्ली को क्या बना दिया है कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। बाबा देखते हैं कि मिश्रा जी और गुल्ली अपने होश में नहीं है और वह गुप्ता जी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। मुझे सबसे पहले इन्हें रोकना होगा। बाबा अपनी शक्ति से मिश्रा जी और गुल्ली को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। गुप्ता जी अब घबराओ नहीं, मैंने उसे पिंजरे में कैद कर दिया है और अब मैं उन्हें वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। बाबा अपने मन की शक्ति से मिश्रा जी और गुल्ली को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसके चलते दोनों को बहुत दर्द होता है, जिसके बाद दोनों खूब चिल्लाने लगते हैं। मिश्रा जी और गुल्ली को दर्द से चिल्लाता देख बाबा रुक जाते हैं। मैं अपनी शक्ति से दोनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसे इतनी दर्द क्यों हो रही है, मुझे इसका पता लगाना होगा। इधर बाबा अपने मन की शक्ति से पता लगाने लगते हैं और उधर गुल्ली नॉर्मल हो जाता है और अपने आप को कैद में पाता है। रॉड ने मुझे कैद कर लिया है पर मुझे यहाँ से निकलना होगा। रॉड देखता है कि गुल्ली होश में आ गया है, इसलिए वह गुल्ली के पास जाता है। गुल्ली तुम्हारी वजह से गुप्ता जी यहाँ से भाग गया है और साथ में मिश्रा जी और गुल्ली भी चला गया है, इसलिए इसकी सजा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। रॉड की बात सुनकर बुल्ली के दिल में राहत आती है क्योंकि अब गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली उसकी कैद में नहीं थे, लेकिन अब उसे सजा भी मिलने वाली होती है। बुल्ली को सजा देने के लिए रॉड अपने कंप्यूटर के पास जाता है और वह कोई बटन दबाता है, जिसके बाद बुल्ली को जोर का झटका लगने लगता है। बुल्ली को कुछ देर तक झटका देने के बाद रॉड स्विच को बंद कर देता है। स्विच बंद होते ही बुल्ली बेहोश हो जाता है। बुल्ली ये तो छोटा सा नमूना था, आगे तुम्हें और भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, पर उससे पहले तुम्हारे दोस्त का मैं स्वागत करूँगा। रॉड दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ वो कोई मिनी रॉड बनाया हुआ था। गुप्ता जी तुम वापस यहाँ जरूर आओगे पर वापस जा नहीं पाओगे। रॉड इधर खुश था क्योंकि वह सब तैयारी करके रखा था। और उधर बाबा को पता चल जाता है कि किस तरह मिश्रा जी और गुल्ली को ठीक कर सकते हैं। गुप्ता जी मुझे पता चल गया है कि किस प्रकार मिश्रा जी और गुल्ली को ठीक किया जा सकता है। किस प्रकार ठीक किया जा सकता है बाबा? गुप्ता जी इन दोनों को ठीक करने के लिए हमें इन्हें वही जगह ले जाना होगा जहाँ इसे ऐसा बनाया गया है। क्या मतलब? हमें रॉड के फैक्ट्री जाना होगा क्योंकि मिश्रा जी और गुल्ली वहीं पर ऐसा बन गया था। गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली रॉड के एक मशीन से ऐसा बना है, इसलिए हमें वही मशीन चाहिए ताकि उसकी मदद से मिश्रा जी और गुल्ली को वापस से ठीक कर सके। बाबा अपना शक्ति से गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली को रॉड की फैक्ट्री ले जाते हैं, पर उससे पहले मिश्रा जी और गुल्ली को बाबा बेहोश कर देते हैं। उधर रॉड अपने डिस्प्ले के सामने बैठा हुआ होता है ताकि कोई भी उसके फैक्ट्री के अंदर ना आ सके। कुछ समय बीत जाने के बाद रॉड देखता है कि गुप्ता जी के साथ कोई बाबा उसकी फैक्ट्री के अंदर आ गया है और वहाँ मिश्रा जी और गुल्ली बेहोश पड़ा है। गुप्ता जी तुम कोई भी बाबा को ले आओ पर मुझे हरा नहीं पाओगे। रॉड बहुत खुश होता है क्योंकि वापस से गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली उसकी फैक्ट्री में आ गए थे, इसलिए वह एक बटन दबाता है। बटन दबाते ही फैक्ट्री के ऊपर रखे रॉड से आइसक्रीम की बारिश शुरू हो जाती है। अचानक बड़ी बड़ी आइसक्रीम गुप्ता जी और बाबा के ऊपर गिरता है, जिससे दोनों को चोट लगता है, पर दोनों अपने आप को बचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि दोनों आइसक्रीम के नीचे दब जाते हैं। गुप्ता जी और बाबा आइसक्रीम के नीचे दब जाते हैं, यह देखकर रॉड बहुत खुश होता है। गुप्ता जी और बाबा तुम दोनों कुछ देर में आइसक्रीम से जम जाओगे और फिर मैं तुम्हें भी मिश्रा जी और गुल्ली की तरह अपना गुलाम बना लूंगा। रॉड वेट कर रहा था कि कुछ देर में बाबा और गुप्ता जी आइसक्रीम में जम जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी को लेकर बाहर निकल आते हैं। बाबा रॉड की नज़र हम पर ही है, वही हम पर आइसक्रीम से हमला किया होगा। गुप्ता जी यदि ऐसा है तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। इधर गुप्ता जी और बाबा बात कर रहे होते हैं और उधर रॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि गुप्ता जी और बाबा बच गए थे। गुप्ता जी और बाबा तुम बच गए,
पर मेरे अगले वार से नहीं बचोगे। रॉड फिर से बटन दबाता है, जिसके बाद गुप्ता जी और बाबा देखते हैं कि फैक्ट्री के ऊपर से कुछ उनकी तरफ आ रहा है। गुप्ता जी बचो। ओह नो, ये तो कोन वाला बम है। रॉड हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है बाबा। बम से बचने के लिए गुप्ता जी और बाबा इधर उधर भागते हैं। बाबा कुछ कीजिए, नहीं तो बम से हम दोनों मारे जाएंगे। गुप्ता जी की बात मानते हुए बाबा सुरक्षा कवच बना लेते हैं। सुरक्षा कवच बनते ही रॉड का बम कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि बम सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकता था। बाबा, ये बम आना बंद नहीं हो रहा है, और यदि ऐसा ही रहा तो मैं और आप यहीं फंसे रह जाएंगे। बम को आने से रोकने के लिए बाबा फैक्ट्री के ऊपर देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसे कैसे रोकना है। गुप्ता जी, मुझे इसका तोड़ मिल गया है, तुम बस देखो मैं कैसे बम का आना बंद करता हूँ। बाबा अपनी शक्ति से फैक्ट्री के ऊपर रॉड के पुतले पर वार करते हैं, जिससे पुतला में ब्लास्ट हो जाता है। पुतला में ब्लास्ट होते ही कोन का बना हुआ बम आना बंद हो जाता है। गुप्ता जी और बाबा, तुमने मेरा कैमरा और मशीन को तोड़ दिया, पर अब मैं खुद तुम दोनों को मार डालूंगा। रॉड का मशीन खराब होने के बाद वह खुद फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। बाबा, वो रहा रॉड, उसने ही मिश्रा जी और गुल्ली को वश में किया है। गुप्ता जी और बाबा, तुम दोनों मेरे वार से तो बच गए, पर इस बार मिनी रॉड से बच के दिखाओ। रॉड के मिनी रॉड को पुकारते ही वहाँ एक एक करके कई मिनी रॉड आने लगता है। मिनी रॉड, इन दोनों को छोड़ना नहीं। बाबा, इसने तो छोटे छोटे रोबोट बना लिया है जो उसकी बात सुनता है। गुप्ता जी, ये तो छोटे से रोबोट है, इसे मैं एक मिनट में नष्ट कर दूंगा। रोबोट को नष्ट करने के लिए बाबा जैसे ही उस पर वार करने वाले होते हैं, तभी एक मिनी रॉड बाबा पर नाइट्रोजन गैस से वार कर देता है। नाइट्रोजन गैस के वार से बाबा जम जाते हैं। बाबा, आप तो जम गए, ये मिनी रॉड का बच्चा, मैं इसे अपने पैरों से कुचल दूंगा। गुप्ता जी मिनी रॉड को कुचलने के लिए उसके नजदीक जाते हैं, तो वह मिनी रॉड गुप्ता जी को जोर का झटका देता है। बाबा मुझे बचाइए। गुप्ता जी के चिल्लाने पर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनका शरीर गर्म हो जाता है, जिसके बाद बाबा आसानी से नॉर्मल हो जाते हैं। बाबा को नॉर्मल देखकर रॉड को गुस्सा आ जाता है और वह मिनी रॉड को बाबा पर हमला करने को बोलता है। रॉड के बोलते ही मिनी रॉड फिर से नाइट्रोजन गैस से बाबा पर हमला करता है, पर इस बार बाबा को कुछ नहीं होता है, क्योंकि बाबा का शरीर बहुत गर्म था। उठो गुप्ता जी। बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी को होश में ले आते हैं, पर मिनी रॉड बार बार नाइट्रोजन गैस से बाबा पर वार कर रहा होता है। अरे मिनी रॉड, बाबा पर इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करो। रॉड की बात मानते हुए मिनी रॉड इस बार बाबा पर इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करता है, पर बाबा को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मिनी रॉड, अब तुम सब गए काम से। बाबा जोर से जमीन पर वार करते हैं, जिससे कुछ मिनी रॉड खराब हो जाता है। मिनी रॉड को खराब होता देख गुप्ता जी बहुत खुश होता है। मिनी रॉड के खराब होने पर भी गुप्ता जी और बाबा देखते हैं कि रॉड को गुस्सा नहीं आया, इसलिए बाबा और गुप्ता जी मिनी रॉड की तरफ देखते हैं, तो वह ठीक हो गया था। ये क्या, ये सभी मिनी रॉड ठीक हो गया है, लगता है इसे जला के खत्म करना होगा। बाबा जैसे ही अग्नि शक्ति का प्रयोग करने वाले होते हैं, तभी सभी मिनी रॉड एक साथ बाबा पर इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करता है। सभी के एक साथ शॉक देने पर बाबा को बहुत जोर का झटका लगता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाते हैं। बेचारा गुप्ता जी, बहुत मेहनत करके यहाँ से भागा था, पर अब हमारे कैद में फिर से ये फंस जाएगा। रॉड गुप्ता जी और बाबा को अपने पिंजरे में कैद कर देता है। कुछ समय बाद बाबा और गुप्ता जी को होश आता है, तो वह अपने आप को कैद में पाते हैं। और उधर रॉड मिश्रा जी और गुल्ली को पिंजरा से बाहर ले आता है। गुप्ता जी और बाबा, आप दोनों भी यहाँ फंस गए। गुल्ली, तुम तो भाग गए थे, पर कैसे रॉड तुम्हें पकड़ लिया? गुप्ता जी, मैंने बहुत कोशिश की थी, पर रॉड ने मुझे पकड़ लिया और इन बच्चों को भी कैद कर लिया। घबराओ नहीं तुम दोनों, मैं सबको यहाँ से निकाल लूंगा। बाबा पिंजरा को तोड़ने के लिए जैसे ही उसे छूने वाले होते हैं, तभी बुल्ली बाबा को रोक देता है।
बाबा उसे टच मत कीजिएगा, क्योंकि रॉड ने सभी पिंजरों में करंट लगा दिया है। बुल्ली तुम घबराओ नहीं, मैं अपनी शक्ति से इसे तोड़ दूंगा। बाबा अपनी शक्ति से पिंजरा को तोड़ देते हैं और आजाद हो जाते हैं। बाबा अपने आप को पिंजरा से निकालने के बाद सभी पिंजरा के करंट को बंद करते हैं और गुप्ता जी बुल्ली के साथ सभी को बाहर निकालने लगते हैं। पर उधर रॉड को पिंजरा टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसलिए वह तुरंत वहां जाने लगता है। रॉड जब तक उस रूम में जाता है तब तक में वहां कोई नहीं होता है, क्योंकि बाबा गुप्ता जी और बुल्ली को लेकर वहां से निकल गए थे। गुप्ता जी, बुल्ली और बाबा, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। रॉड गुस्से में दूसरे रूम जाता है और अपना कैमरा से उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि रॉड ने सब कुछ ठीक कर दिया था। रॉड देखता है कि फैक्ट्री के बाहर मिश्रा जी और गुल्ली बाबा गुप्ता जी और बुल्ली को रोक कर रखा है, पर सभी बाकी बच्चे भाग रहे हैं। बहुत अच्छे मिश्रा जी और गुल्ली, तुम उन्हें रोक कर रखो, मैं अभी आता हूँ। गुप्ता जी, ये दोनों को कितना ही समझाओ पर ये ऐसे ठीक नहीं होंगे। गुप्ता जी, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिश्रा जी और गुल्ली कभी भी मेरे वश से बाहर नहीं निकल सकता है। रॉड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी रुक जाओ, तुम शांत रहो, मैं इससे बात करता हूँ। रॉड, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। यदि तुम मिश्रा जी और गुल्ली को ठीक कर दो और कोई भी बच्चा को किडनैप नहीं करो तब मैं ऐसा करूंगा। बाबा, मुझे पता है तुम मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि मिश्रा जी और गुल्ली को मैं ही ठीक कर सकता हूँ। बाबा आप इससे बात क्यों कर रहे हैं, ये बिना मार खाए नहीं मानेगा। अच्छा ऐसा है गुप्ता जी, जरा हिम्मत है तो मुझे छू कर तो दिखाओ। गुप्ता जी और बुल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह दोनों नहीं जा सकते थे, क्योंकि रॉड फिर से नाइट्रोजन गैस से उन्हें जमा सकता था। मिनी रॉड और गुल्ली मिश्रा जी, तुम सभी इन्हें जिंदा मत छोड़ना। रॉड का बात मानते हुए मिनी रॉड वहां आ जाता है और मिश्रा जी गुल्ली के साथ बाबा गुप्ता जी और बुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गुप्ता जी और बुल्ली, तुम दोनों मिश्रा जी और गुल्ली को संभालो, तब तक मैं इस मिनी रॉड को सबक सिखाता हूँ। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और बुल्ली मिश्रा जी और गुल्ली को फील्ड में घुमाने लगता है और बाबा इधर अपनी अग्नि शक्ति से सभी मिनी रॉड को जलाने लगते हैं। बाबा के वार से सभी मिनी रॉड जलने लगता है और कुछ ही समय में सभी मिनी रॉड जलकर खत्म हो जाता है। मिनी रॉड के खत्म होते ही रॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वह खुद बाबा से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। बाबा, मैं तुम्हें अपनी नाइट्रोजन गैस से जमा दूंगा। बाबा को पहले से पता था कि रॉड के पास नाइट्रोजन गैस की शक्ति है, इसलिए बाबा उसके गैस से बचकर उस पर जोरदार वार करते हैं। बाबा के वार से रॉड दूर नीचे गिर जाता है। रॉड, जल्दी से बताओ वो मशीन कौन सा है जिससे तुम मिश्रा जी और गुल्ली को अपने वश में किए हो। बाबा, तुम मुझे कितना ही मार लो पर मैं नहीं बताऊंगा। लगता है तुम्हें अच्छा से सबक सिखाना पड़ेगा, तब जाकर तुम मशीन के बारे में बताओगे। बाबा अपने बल की शक्ति से रॉड को खूब मारने लगते हैं। उधर मिश्रा जी और गुल्ली गुप्ता जी और बुल्ली का पीछा करता रहता है, जिससे बुल्ली और गुप्ता जी थक जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। गुप्ता जी और बुल्ली के रुकते ही मिश्रा जी और गुल्ली दोनों पर हमला कर देता है। बाबा हमें बचाइए, मिश्रा जी और गुल्ली हमें मार डालेगा। बाबा, तुम मुझे मारोगे या गुप्ता जी बुल्ली को बचाओगे? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। बाबा एक जोरदार पंच रॉड को लगाते हैं, जिससे रॉड बेहोश हो जाता है। ये तो गया, अब मिश्रा जी और गुल्ली को रोकना होगा। बाबा जल्दी से गुप्ता जी के पास जाते हैं और अपने पावर से मिश्रा जी और गुल्ली को कैद कर लेते हैं। गुप्ता जी और बुल्ली, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ बाबा, मैं और बुल्ली ठीक है। बाबा हम दोनों तो ठीक है, पर मिश्रा जी और गुल्ली को जल्दी से ठीक करना होगा, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। बुल्ली, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पर यह काम रॉड ही कर सकता है। बाबा वो तो मुझे पता है, पर रॉड ऐसा नहीं करना चाहता है। गुप्ता जी के बोलने के बाद बाबा अपना दिमाग लगाते हैं। गुप्ता जी, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, चलो मेरे साथ। बाबा रॉड को उसके ही पिंजरे में कैद कर देते हैं और उसका होश में आने का इंतजार सभी करते हैं।
कुछ समय बाद रॉड को होश आ जाता है और अपने आप को कैद में पाता है। रॉड जब सामने देखता है तो उसे वहाँ बाबा गुप्ता जी और बुल्ली दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, बुल्ली और बाबा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैद कर लिए तो मैं मिश्रा जी और गुल्ली को ठीक कर दूंगा? पर ऐसा नहीं होगा। बाबा, मैंने कहा था ना, ये रॉड का बच्चा बहुत जिद्दी है, वह हमारी बात नहीं मानेगा। गुप्ता जी, रॉड हमारी बातें जरूर मानेगा, देखना चाहोगे कैसे? हाँ बाबा, पर कैसे? बाबा थोड़ा साइड में जाते हैं जहाँ एक बटन होता है और उसे दबाते हैं। बटन दबते ही रॉड को जोरदार झटका लगने लगता है। कुछ देर झटका देने के बाद बाबा करंट देना बंद करते हैं। रॉड को झटका देने पर उसकी हालत खराब हो गई थी। रॉड, अब बताओ, क्या अभी तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बाबा के पूछने पर रॉड कोई भी जवाब नहीं देता है, इसलिए बाबा फिर से बटन दबाते हैं। बटन दबाते ही रॉड को फिर से झटका लगने लगता है। बाबा, बंद कीजिए, बंद कीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। रॉड के बोलते ही बाबा बटन दबाकर करंट को बंद कर देते हैं। अब बताओ, मिश्रा जी और गुल्ली को किस मशीन से ठीक किया जा सकता है? बाबा, वह मशीन इसी फैक्ट्री में है जिससे मैं दोनों को अपने वश में कर लिया था, और अब उन दोनों को उसी मशीन में ले जाना होगा। रॉड की बात सुनकर बाबा बुल्ली को इशारा करते हैं कि रॉड को कैद से बाहर निकालो। बाबा की बात मानते हुए बुल्ली रॉड को बाहर निकालने लगता है। रॉड के बाहर निकलते ही वह सभी को उस रूम में ले जाता है जहां वह मशीन रखा हुआ था। बाबा, ये वही मशीन है जिससे मिश्रा जी और गुल्ली को वापस से ठीक किया जा सकता है। रॉड के बताने के बाद बाबा अपनी शक्ति से मिश्रा जी और गुल्ली को ले आते हैं, और रॉड के बोलते ही मिश्रा जी और गुल्ली दोनों मशीन में चला जाता है। मशीन के अंदर जाने के बाद रॉड कोई बटन दबाता है जिसके बाद मशीन चालू हो जाता है। कुछ समय बाद मिश्रा जी और गुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मिश्रा जी और गुल्ली के ठीक होते ही गुप्ता जी और बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। रॉड, तुमने अच्छा काम किया, पर यदि अब किसी को तुम किडनैप किए तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। नहीं बाबा, अब ऐसा नहीं होगा, मैं किसी को किडनैप नहीं करूंगा। बहुत अच्छे रॉड। रॉड को सबक सिखाने के बाद सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आइसक्रीम रॉड सुधर गया है या सुधरने का नाटक कर रहा है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और ये रहा आज का शाउट आउट।